प्यारे बच्चों, आपके कक्षा 10 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में कई खंड हैं, जैसे गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत परिचायिका। इसमें से पाठ्यपुस्तक के प्रथम खंड गद्य खंड का पहला पाठ मित्रता है। मित्रता शीर्षक यह पाठ हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। पाठ को पढ़ने से पूर्व, उसकी व्याख्या जानने और समझने से पूर्व आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक रचनाएं और उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। आप लोग जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में गद्य लेखक का जीवन परिचय एक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो पाठ्यक्रम के गद्य खंड के प्रथम लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको बताया जा रहा है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ। आपके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई तथा सन 1892 ईस्वी में जब इनके पिताजी की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई, तब यह अपने पिताजी के साथ मिर्जापुर आ गए। 1921 ईस्वी में मिशन स्कूल से इन्होंने फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया। मिर्जापुर में रहते हुए ही पंडित केदारनाथ पाठक एवं बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन के संपर्क में आने से इनके हिंदी साहित्य के अध्ययन को बल मिला। यहीं उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन किया। कुछ दिन आपने मिशन हाई स्कूल में ड्राइंग मास्टर के पद पर काम किया। 1909 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक आपने नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का संपादन भी किया। बाद में आपकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई तथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की सेवानिवृत्ति के उपरांत सन 1937 ईस्वी में आप हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन 1941 ईस्वी को हो गया। शुक्ल जी की रचनाएं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की,
यह बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने हिंदी में अत्यंत प्रसिद्ध निबंधों की रचना की और अपनी श्रेष्ठ आलोचना के लिए भी यह हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध रहे। हिंदी साहित्य के इतिहास को अत्यंत सुव्यवस्थित तरीके से लिखकर आचार्य शुक्ल ने अपने बाद के लेखकों का मार्ग प्रशस्त किया और एक प्रकार से उनको साहित्य का इतिहास लिखने की प्रेरणा भी प्रदान की। शुक्ल जी की रचनाओं को हम संक्षेप में इस प्रकार से जान सकते हैं। शुक्ल जी एक निबंधकार के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, अतएव सबसे पहले हम इनके निबंध संग्रह के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इनके निबंधों के संग्रह चिंतामणि भाग एक तथा दो एवं विचार वीथि नाम से प्रकाशित हुए। आलोचना संबंधी ग्रंथ, आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी के मुख्यतः तीन ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। पहला ग्रंथ है रश्मिमांसा, जिसमें सैद्धांतिक आलोचना संबंधी निबंध है। इनकी आलोचना संबंधी दूसरी कृति का नाम है त्रिवेणी, जिसमें हिंदी के महान कवि सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी पर आलोचनाएं लिखी गई हैं, तथा इनकी तीसरी आलोचना संबंधी रचना है सूरदास। साहित्य का इतिहास युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथों में मान्य है। संपादन कार्य, आचार्य शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमरगीत सार तथा हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका एवं आनंद कादंबनी का भी कुशल संपादन किया। इन प्रसिद्ध रचनाओं के अतिरिक्त आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानी, जिसका शीर्षक है 11 वर्ष का समय, वह कहानी भी आचार्य शुक्ल जी के ही द्वारा लिखी गई। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में अनुवाद भी किए हैं। शुक्ल जी की भाषा बड़ी ही चुस्त संस्कृत मिश्रित शुद्ध खड़ी बोली है। आवश्यकतानुसार उसमें उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। शुक्ल जी ने अपनी भाषा में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग कम किया है, किंतु कहीं कहीं उसकी बड़ी सटीक झलक देखने को मिल जाती है। इनकी रचना शैली में आलोचनात्मक शैली, कविष्णात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली तथा निबंधों में ऐसे निबंध जो मनोविकार संबंधी हैं, जैसे श्रद्धा भक्ति, उसमें भावात्मक शैली अपनाई गई। शुक्ल जी हिंदी के सुप्रसिद्ध समालोचक ही नहीं, एक श्रेष्ठ निबंधकार, हिंदी साहित्य के इतिहासकार
एवं बड़े ही श्रेष्ठ विचारक एवं श्रेष्ठ शैली में एवं श्रेष्ठ शैली के निबंधकार थे। वास्तव में शुक्ल जी हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और एक कुशल अध्यापक थे।